नाश्ता तो हो गया, अब मेरा भी नहीं हुआ फिलहाल। बाबू जा चुके हैं अपने काम को चले गए और मैं नहा चुकी हूँ, घर का सारा काम फिनिश हो चुका है और आयुष और पीयूष ने नाश्ता कर लिया है और मैं अभी अधूरे काम में है जो मेरे घर के, मतलब जैसे सुबह के चाय वाय के बर्तन वर्तन है ना वो धुलूँगी, काम करूँगी, उसके बाद देखते क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं। पता है दो बाबा, मतलब बाबा जी बोले बाबा ही जी बोलेंगे, मतलब पंडित जी जैसे वो पूजा आते नहीं भिक्षा लेने के लिए, तो बाबा जी आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं, तो मैंने अभी उन्होंने मैंने उनको जो मुझसे होना था मैंने उनको दक्षिणा वगैरह दे दिया और पहले तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, पता क्या बोल रहे मेरे से, कह रहे हैं कि बिटिया तुम आने वाले समय पे 2 करोड़ की मालकिन बनोगी। हमने अच्छा बाबा जी अभी तो हम 2000 की मालकिन नहीं। तो हंस रहे कह रहे हैं बेटा मजाक मत लो, ये मेरी जवान है। और मैं कह रहा हूँ चलिए, वैसे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, आपके सामने बता रही हूँ बाबा जी बाहर खड़े हैं, लेकिन मैंने बाबा जी और इतना गाइस इतना सुंदर, मतलब भजन वो जब आ रहे थे ना तो आवाज़ आ रही थी, वो लोग गाना गा रहे थे, उससे पहले आवाज़ तो बहुत देर से आ रही थी, मुझे लगा कि पीछे जैसे बहुत सारे लोग गाते हैं ना सिंगिंग कर, मतलब वो बजाते भजन गाते, तो वही लोग हैं भजन गा रहे हैं, लेकिन जब अभी आप मैं देखे तो दो ही लोग हैं और दो बाबा जी हैं, एक ढोलक बजा रहे हैं भजन गा रहे हैं बहुत प्यारा। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा जी आपको मैं कैमरे में कैप्चर करना चाहती हूँ, मतलब आपका वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो बना लूँ? तो मैं हाँ बिटिया बना लो, बिल्कुल बना लो। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देते हैं, आप कैमरे में बनाएंगे तो बिल्कुल आप लोग भी देखेंगे, चलो बनो वीडियो बनाते हैं, उनका भजन सुनते कैसा है, ठीक है चलो। Oh, my God.
हरिद्वार मतलब जा रहे हैं, अमरनाथ से आए हैं। तो बहुत अच्छा गाना गाया और बहुत अच्छे बाबा जी ने गाना गाया, ढोलक बजाई आपने सुना। तो इनको आप यहाँ देखिएगा, मदद करिएगा। और कन्या, क्या कन्या खिलानी है बता दीजिए। अच्छा, तो मदद करिएगा। तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस सुना ना, कितना सुंदर भजन, कितनी प्यारी ढोलक बजा रहे थे। बेचारे सब वहीं बैठ गए, मैंने बोला भी यहाँ पर बैठ जाइए कुर्सी के ना, मैं यहीं बैठूँगा। और उन्होंने वो लोग, वो जो बाबा है ना, बाबा जी बता रहे हैं कि हम अमरनाथ से आए हैं, हरिद्वार को जा रहे हैं। तो अपना यहाँ पे बोल रहे बहुत बड़ा यज्ञ है हरिद्वार में, तो अपना भिक्षा वगैरह ले रहे हैं। तो यही, और मुझे फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बिटिया हाथ जोड़ के आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ रखा कि तुम आगे तरक्की करोगी और तुम्हारा भविष्य, मतलब मैंने भविष्य नहीं बताया, बस उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। मेरा कोई हाथ व माथा वाथा नहीं देखा, क्यों बोला नहीं मालूम, लेकिन पसंद आया ना आपको। और गाइस एक चीज़ और बताऊँ, अभी मैं इसी पे एक वीडियो भी डालूंगी, 9 तारीख का। 9 तारीख को मुहर्रम था, 9 तारीख को, और मैं ग्वाल टोली गई थी, लेकिन उतनी भीड़ थी, मुझे ब्लॉग बनाने का कोई सिस्टम नहीं मिला और बहुत ज़्यादा मतलब बना नहीं पाई। छोटे छोटे दो वीडियो, 4-5 मिनट का वीडियो है। ग्वाल टोली का सबसे बड़ा मतलब मुहर्रम निकलता है वहाँ पे, बहुत बड़ा मुहर्रम वहाँ का होता है और सबसे ज़्यादा मतलब करबला जाता है। तो मैं बताऊंगी, मैंने वहाँ बताया, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत थी तो मुझसे बनाया नहीं गया, थोड़ा बनाया। मैं अभी इस पर क्लिप लगा देती हूँ, वो आप देख लो, ये 9 तारीख वाली क्लिप है, ठीक है, देख लो पहले। तो गाइस ये जो मुहर्रम है, 8वां महीना 2022 को निकला है। दिन कौन सा था बेटा? हाँ, दिन मंगलवार। तो आप देख सकते हैं ये कानपुर में ग्वाल टोली, बहुत से लोग जो कानपुर के होंगे ग्वाल टोली जानते होंगे, बहुत जाना माना एरिया है, फेमस एरिया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो ताजिया होती है मुहर्रम, बहुत मतलब यहाँ पे वैसे भी बहुत हिंदू मुसलमान भाई और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज से नहीं, मेरा तो ददियाली वही है, मेरी पैदाइशी वही है। आप सबको अगर जिनको नहीं पता है, मैं बता दे रही हूँ। और देखिए कितनी प्यारी प्यारी ताजियाँ निकल रही हैं, और ऐसे ही मतलब बहुत ही बहुत बड़ा निकलता है ग्वाल टोली से, मकबरा ग्वाल टोली सब मिल के सब जाते हैं करबला। बड़ी बड़ी करबला है, जो पत्थर कॉलेज है गंगा बैराज के पास, वहाँ पर जाते हैं, ये वहाँ पर दफनाई जाती हैं ताजिया। तो ये ग्वाल टोली है, चौराया है ग्वाल टोली का। तो वहाँ से आप देखिए कितनी पब्लिक, कितनी भीड़, मुझसे इसी वजह से हो ही नहीं पा रहा था, आप ये देख सकते हैं। तो कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है, तो कभी भी मतलब वहाँ रहते होंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ पर हिंदू तो मेरी समझ से अब बहुत कम है, लेकिन हाँ लिमिटेड है, लेकिन है मॉन्डन भी। लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हिंदू मुसलमान में ऐसा कुछ, बहुत प्रेम है भाई भाई, और यही हमारा हिंदुस्तान है। तो देखिए हमारा तिरंगा चल रहा है, मतलब तिरंगा भी लिया हुआ है। और यही है कि जो इंडिया भारत में रहते हैं तो हिंदू मुसलमान में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब लोग भाई भाई हैं, भाई बहन है, और सब मिलके। और उस एरिया में तो आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा, एक दूसरे के हम घर भी मतलब जाना आना बिल्कुल, और अब तो बहुत कम है, थोड़ा सा एक आधा लोग हैं जो भड़काऊ टाइप की बातें करते हैं, लेकिन सब लोग अधिकतर जो पुराने लोग सब लोग, मैं भी रही हूँ, तो हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन त्यौहार है बार, वहाँ पर भी आती थी मेरे पापा को, मेरे होश मुझे याद है, बांधने आती थी, जबकि वो मॉन्डन थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारे इधर सब लोग मिलजुल के बहुत अच्छे से त्यौहार मतलब मनाते हैं।
और अगर हिंदू का त्यौहार होता है तो जो मुसलमान भाई लोग हैं, जो बहनें हैं, वो भी बहुत हमारे त्यौहार में जागरूक होते हैं, मतलब मिलनसार करते हैं। और इधर हमारे लोग भी सब, आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर बहुत शाम के समय बहुत लंगर भी चल रहा था, जिसको जो मन आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि कौन सी कोई जाती है, सब लोग मिलजुल के बांट रहे थे, लंगर वगैरह बट रहा था, पानी बट रहा था, जिसका जो श्रद्धा थी सब ने खूब किया, खूब भर भर के किया। तो ये सब आप देखिए, वो मातम वाले जो है ना, तो ये मातम वाले जा रहे हैं, तो ये मातम करते हैं जो ब्लैक पहना है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, किसी को मेरी बातों से अगर ठेस लगे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं, जितनी जानकारी मैं उतना ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत, मतलब मैंने तो शुरू से देखा, मैंने बचपन ही यहाँ पे गुजारा है, तो ये मंदिर दिख रहा है, ये दुकान के बगल में जो दुकान है, सामने दुकान के सामने मेरे चाचा की फिश की दुकान है, संजय मछली वाले, और मेरे बड़े चाचा भी हैं वहाँ पर। मुहर्रम में लुचई है, इमरती है, मुहर्रम में लगाते हैं, और बहुत भारी है, पीछे भीड़ देख सकते हैं, छोटे दिख रहे हैं, बहुत भारी भीड़ लगती है, और यहाँ पर पूरी दुकानें, वैसे तो अब हर साल जाएंगे तो लुचई वगैरह मिलती, लेकिन आज के दिन इतनी लुचई, हर दुकान के, सारी मार्केट बंद होती है, हर दुकान के आगे लुचई है, सब बेचते, मेरे चाचा खुद लगाते हैं, और एक दिन पहले से सारा काम चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ यहाँ पे इनकी मतलब दूसरी कास्ट का हो रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिलजुल के बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया जाता है। इसमें आपको जो मोमडन हैं, मोमडन भाई हैं, तो उसमें हिंदू भी आपको बहुत नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो एरिया है वालटोली बहुत मिलनसार है। आप जाएंगे, हम तो, मैं तो जाती हूँ, मैं तो अब तो लोगों को पहचान ही नहीं पाती हूँ, लेकिन लोग मुझे वहाँ जानते हैं, जब चाचा बताते हैं ये भैया की बिटिया है, ये मेरे बड़े भाई की, तो पता है सब लोग पूछते हैं, अच्छा ये वो छोटी वाली जो एक ही तो बिटिया दिखे, हाँ ये वही बिटिया है, कि अच्छा ये छोटी सी दिखे, हाँ हमने आप मोटी सी बड़ी सी हो गई हूँ, तो मैं नहीं पहचान पाती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मिलता है ना, पुराने कोई मिलता है तो मुझे बहुत, और दादा है, अप्पी हैं, ऐसे चाचा कहते हैं, लो सलाम करो, तो करती हूँ मैं नमस्ते, जो मुझसे होता है मैं नमस्ते करती हूँ अपनी उसमें, तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना मैं मानती हूँ सब प्यार है, होता है दिल से प्यार होना चाहिए। आप भीड़ देखिए, गली में कितनी भीड़ है, और ये सारी बड़ी करबला मकबरा, और मेन तो वहीं है, आप अगर कानपुर के हैं तो आप जानते होंगे कि मेन तो उधर ही है, जो सारी बड़ा, बहुत बड़ा मॉडल निकलता, ताजिया निकलती है, बहुत बड़ा मेला जैसा भी लगता है वहाँ पे, बहुत त्यौहार पता चलते हैं कि त्यौहार है, और सब हिंदू ही है, मैं बाकी मैंने उसमें बताया ही आपको। तो चलो अभी मुझे मेहंदी लगा के थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, मेहंदी लगा लूँ और काम फ्री करके मेहंदी लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। काम करते करते बहुत टाइम हो गया, और ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, चलो अब एक काम कर सकते हैं, मेहंदी वाला जो वीडियो है आपको कल दिखाएंगे, ठीक है। मेहंदी में जो लगाऊंगी, डिज़ाइन है जो लगाऊंगी वो कल दिखाऊंगी। अब सोचोगे कर तो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन का वैसे भी सारा दिन रक्षाबंधन करेंगे, ब्लॉग शूट करेंगे, तो रक्षाबंधन का वैसे भी आपको परसों ही मिलेगा ना, परसों मिलेगा, ठीक है। तो कल अब मेहंदी वाला देख लेना, मेहंदी देखिए अभी मैंने लगाई नहीं, मेहंदी है देखिए, मेहंदी मैं ले आई हूँ, ये मेहंदी देखिए कावेरी की मेहंदी है, जिसका ऐड बहुत चलता है टीवी पे, कावेरी की रचती भी है, रचती मेहंदी कावेरी की। अभी मैं लगाऊंगी हेयर कलर, देखिए मतलब काम भी इतना होता, तीस दिवस में समझ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा काम करो बहुत हो जाता है। और मैंने वादा किया था आपसे राखी दिखा देती हूँ, तो चलो राखी आप देख लो, ये तो भगवान की राखी है, ठीक है, ये भगवान को जो बनती है वो वाली राखी है, आपको दिखाई देते हैं, ये राखी है, ये राखी है, ये राखी है,
बहुत प्यारी राखी है, बहुत सुंदर है। और हमारे ये राखी है और बहुत सुंदर सुंदर राखी, बहुत प्यारी राखी है। तो ये राखियाँ हैं। और ये देखिए, मैं राखी के लेने गई थी तो जल्दी क्या होता है, लिप लाइनर। ये मैं लिप लाइनर लेके आई, लिप लाइनर मेरा टूट गया था, ख़राब हो गया था, लेकिन ये लिप लाइनर बहुत अच्छा है। ये क्या नाम है, 50 रुपीज़ का है, 10 का मिलता है, 10 वाला नहीं है, 50 रुपीज़ का है। ये आई लेसेस में भी काम करेगा, आप इसको आई सेटो भी बना सकते हैं, इससे आईब्रो भी अपनी सेट कर सकते हैं, लिप लाइन भी कर सकते हैं, इससे बहुत सारे काम। और आपकी जो है कहते हैं हाँ, इस पर आप आई लेसेस लगा सकते, आईज का मेकअप भी कर सकते हैं, जैसे गिल्टर वगैरह है ना, सेट करी जाती है उस तरह से, आप इसको इससे यूज़ करें। वैसे भी 10 वाली भी बहुत है, लेकिन इसका कलर काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी है, एक बार में ही जाती है, कलर भी बड़ा प्यारा है और ये कलर मुझे अच्छा लगता है और बहुत सॉफ्ट सी है, फट भी नहीं रही है, लगाने बढ़िया है। तो ये राखी मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी ना, कमेंट करना। और वीडियो आज कैसा लगा वो भी कमेंट करना। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, डीएम करते हैं। मेहंदी वाला कल दिखाएंगे और राखी वाला परसों दिखाएंगे, ऐसे मैंने बना के रखा है, धीरे धीरे देखिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि उसी दिन मैं सब कर लूँ। तो जाते जाते आप पहले लाइक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो फटाक से, मेरा आने वाला नया वीडियो, ताकि बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नाम सब्सक्राइब कर लेना यार, पैसा नहीं लगता सब्सक्राइबर का, सब्सक्राइब करने का पैसा ऐसे नहीं लगता है भाई यार। और जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हो उनका ख्याल रखो। ओके फैमिली, लव यू, बाय।